नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर पार्ट वन के बारे में आपको बताया था, और उस वीडियो में कैलेंडर के पार्ट वन की वीडियो में मैंने दो टाइप के प्रश्नों की बात की थी, यानी टाइप वन और टाइप टू। आज मैं कैलेंडर का पार्ट टू आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कैलेंडर में जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और कैंडिडेट थोड़े से कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में या कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से कैंडिडेट्स इस तरीके के प्रश्नों को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कैलेंडर का पार्ट टू, यानी कि तीसरे टाइप के प्रश्नों की हम बात करेंगे। पिछले वाले वीडियो में यानी कैलेंडर के पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चन, यानी टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन में किस तरीके के क्वेश्चन थे कि अगर किसी महीने की एक तारीख को सोमवार है तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे, ठीक इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो हमें कुल वहाँ पर सोमवारों की संख्या बतानी थी, या ये कहा गया था कि अगर किसी साल के 1 मार्च को सोमवार है तो उसी महीने के 10 मार्च को क्या होगा। तो 10 मार्च को हमको दिन बताना था कि कौन सा दिन होगा वहाँ पर। ओके, दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या थे? दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये थे कि इस तरीके के प्रश्न थे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा। और क्या क्वेश्चन थे? और क्वेश्चन थे कि अगर 15 अगस्त 1947 को सोमवार है तो 18 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। तो रिमाइंडर डे कोड फॉर्मूले का यूज़ करके और माह के कोड तथा दिन के कोड जो मैंने आपके इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे, उसका यूज़ करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक, अब हम यहाँ पर पार्ट टू की बात करेंगे, यानी कि तीसरे टाइप के क्वेश्चनों की। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आज टॉपिक का नाम है रिपीट कैलेंडर, यानी कैलेंडर कभी कभी आपसे इस तरीके के प्रश्नों को पूछता है कि किसी वर्ष में किसी महीने की किसी तारीख को ये दिन है, तो वही सेम दिन फिर किस वर्ष को उसी डेट को रिपीट होगा। ठीक है, यानी कि आगे जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले हम ये समझेंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम सदैव लीप ईयर को क्या मानते हैं? बेस ईयर, यानी हमेशा लीप वर्ष, लीप ईयर को क्या? आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब लीप ईयर को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बात आपने समझ ली। अब कैसे प्रयोग किया जाता है या क्या है लीप ईयर और इसको कैसे आधार वर्ष के रूप में हम यूज़ करेंगे, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल है, हमने उदाहरण के लिए लिया है कि माना कि जो दिया गया वर्ष है वो क्या है, 1980 है। ओके, 1980 दिया गया है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो भी दिया गया वर्ष है वो लीप ईयर है या नहीं। एक बात याद रखिए कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं? हमेशा हम यूज़ करते हैं लीप वर्ष का, लीप ईयर का, जनरल ईयर का यूज़ नहीं करेंगे। यानी हमेशा लीप वर्ष को ही आधार वर्ष के रूप में मानकर प्रश्न को हल करेंगे, नहीं तो प्रश्न हल नहीं होगा। और कैंडिडेट्स ज़्यादातर यही गलती करते हैं। ओके, जो व्यूअर्स नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और पुराने जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने मिस किए हैं वो भी आपको मिल जाए। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और रीजनिंग के सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर कराऊंगा, इसलिए एक वीडियो छोड़ना भी आपके लिए बहुत लॉस का काम है, आप क्या कॉम्पिटिशन की रेस से बाहर हो जाएंगे। ओके, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर, अपने टॉपिक पर। दिया गया वर्ष क्या है? 1980। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 1980 लीप वर्ष है कि नहीं। तो मैंने बताया था लीप वर्ष आप कैसे चेक करेंगे, यानी कि आपको जो वर्ष दिया गया है वो वर्ष अगर संख्या 4 से पूर्णता विभाजित हो जाता है तो वो क्या है? लीप वर्ष है। तो वर्ष 1980 4 से पूर्णता विभाजित है, इसलिए 1980 क्या है? लीप ईयर है। ठीक, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है। छोटी सी ट्रिक क्या है? वर्ष आपको 1980 दिया गया है, 1980 में जो लास्ट दो डिजिट है यानी कि 80
केवल इस 80 में अगर आप 4 से भाग दे के देख लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि जो वर्ष आपका है वो लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, तो 80 में आपने 4 से भाग दिया तो पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है। छोटी सी ट्रिक है, कोई भी आपको वर्ष दिया गया है तो उसके जो लास्ट के दो अंक हैं यानी लास्ट टू डिजिट्स में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे और वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो वर्ष क्या आ जाएगा, लीप वर्ष। तो 80 4 से पूर्णतः विभाजित है यानी वर्ष 1980 क्या है, वर्ष 1980 है आपका लीप ईयर। ओके, अर्थात अब हमें ये मिल गया कि ये 1980 ही लीप वर्ष है, हमने चेक कर लिया। तो हम इसी 1980 का यूज़ करके ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कैसे हम लीप वर्ष को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग करेंगे उसके लिए आगे देखते हैं। हमने ये देख लिया कि हमें क्या आधार वर्ष अपना लीप वर्ष मिल गया है, वो क्या है 1980, यानी जो प्रश्न में वर्ष दिया गया था वही वर्ष हमारा लीप ईयर हो गया। अगर लीप वर्ष नहीं दिया गया होता तो हम उस वर्ष के सबसे निकट का जो लीप वर्ष है उसका प्रयोग करते। अभी प्रश्नों में आपको समझ में आएगा, आगे एक दो क्वेश्चन है उनमें आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप क्या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्विटर और फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप पूछेंगे। ठीक, तो अब हम क्या 1980 को अपने लीप वर्ष के रूप में प्रयोग करेंगे। अब अगर हम 1980 से एक वर्ष आगे की तरफ जाएंगे तो क्या 6 वर्ष हम उसमें जोड़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस माइनस 6 लिखा है, मतलब आगे जाने के लिए प्लस करेंगे और पीछे जाने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, मतलब अगर आप एक वर्ष आगे जाते हैं किससे, लीप वर्ष से, तो आप 6 वर्ष जोड़ेंगे, और अगर आप एक वर्ष पीछे जाते हैं तो आप 6 वर्ष घटाएंगे। इसी प्रकार अगर आप लीप वर्ष जो आपने आधार माना हुआ है उससे 2 वर्ष और 3 वर्ष आगे जाते हैं तो क्या करेंगे, आप प्लस 11 करेंगे, और 2 या 3 वर्ष पीछे जाते हैं तो क्या करेंगे, माइनस 11। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस माइनस 11 वर्ष। यानी उस वर्ष में अगर आप आगे जा रहे हैं 2 वर्ष या 3 वर्ष तो 11 जोड़ देंगे, और 2 वर्ष या 3 वर्ष पीछे जा रहे हैं तो उससे क्या, 11 घटा देंगे। किससे, उस लीप ईयर से जो आपने आधार लिया हुआ है। अब अगर हम दिए गए लीप वर्ष से या अपने आधार वर्ष से 4 वर्ष आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, 28 वर्ष जोड़ेंगे, और अगर 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो 28 घटाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है प्लस माइनस 28, यानी 4 साल आगे जाने पर प्लस 28 और 4 साल पीछे जाने पर माइनस 28। ठीक है, बात समझ में आई, अभी और बात क्लियर होगी, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जो भी कन्फ्यूज़न है या अभी बात हौच पौच हो रही है दिमाग में तो अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या है। और अगर एक बार में चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को आप 2 या 3 बार देखें, और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए गए हैं अकाउंट्स के उन लिंक्स पर भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, अगर डाउट आपका बना रहेगा तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 15 मार्च 1970 को रविवार है, क्या बोला है, 15 मार्च 1970 को रविवार है तो किस वर्ष की 15 मार्च को पुनः रविवार होगा। ठीक है, यही है रिपीट कैलेंडर, मतलब 15 मार्च 1970 को बोल दिया है कि रविवार है तो पूछ रहा है कि किस वर्ष की 15 मार्च को पुनः रविवार होगा, यानी कौन सा वो वर्ष होगा जिसके फिर 15 मार्च को रविवार होगा। ठीक, तो हमें दिया है 15 मार्च 1970 रविवार है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 1970 हमारा लीप वर्ष है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, लास्ट जो 2 डिजिट है यानी कि 70, उसमें हम किससे 4 से डिवाइड करेंगे, 70 में हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 से 70 पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वर्ष 1970 लीप वर्ष नहीं है। अब मैंने बताया था कि अगर जो आपको वर्ष दिया गया है प्रश्न में वो लीप वर्ष नहीं है तो आप क्या उसके सबसे निकट का लीप वर्ष ज्ञात करेंगे। तो 1970 के सबसे निकट का लीप वर्ष आपका है 1968, 1968 1970 के सबसे निकट का लीप वर्ष है, यानी 68 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो 17 चौके 68, यानी कि क्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है 68, इसका मतलब है कि 1968 जो वर्ष है वो लीप वर्ष है। अब हमें हमारा लीप वर्ष मिल गया, लीप वर्ष हमने क्यों निकाला, क्योंकि इसी को बेस लेकर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे वही तरीका, आपको दिया गया वर्ष क्या था 1970, आपने
1970 को चेक किया, वो लीप वर्ष नहीं निकला, तो आप उसके सबसे निकट वाले लीप वर्ष पे गए। आपने देखा 1969 लीप वर्ष नहीं है, क्या है, सामान्य वर्ष है। फिर आपने देखा 1968 चार से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये लीप वर्ष है, यानी 1970 से आप 1968 गए, ठीक है। तो कितने वर्ष का अंतर आया, आपके 2 वर्ष का अंतर आया, यानी 1968 आपका लीप वर्ष है। अब 1968 में कितने साल आप जोड़ेंगे जब 1970 हुए, तो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष आप आगे गए, यानी अगर आप लीप वर्ष से आगे जाएंगे 2 वर्ष या 3 वर्ष, तो आप क्या करेंगे, +11, ठीक है। बात को ध्यान से सुनिएगा, लीप वर्ष से आपको आगे जाना है। ये गलती मत कर दीजिएगा कि आप दिए गए वर्ष से ही आगे पीछे कर दें। आपने देखा कि 1970 से तो हम 2 साल पीछे गए 1968, तो आपने क्या कर दिया, -11। नहीं, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको किसको देखना है, आपको देखना है अपने लीप ईयर को, यानी यही आधार वर्ष है। तो लीप ईयर यहाँ पे क्या है, 1968, तो 1968 से जब आप 1970 पे गए, तो कितने 2 वर्ष आप आगे गए, तो 2 वर्ष या 3 वर्ष जब आप आगे जाते हैं तो आप क्या करेंगे, +11। तो जो दिया गया वर्ष है, यानी 1970 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1981, ठीक। यानी 15 मार्च 1981 को फिर से आपका क्या होगा, रविवार होगा, ठीक है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं। अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, तो उसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो क्या आप उसके सबसे निकट वाले लीप वर्ष पे जाएंगे, और जो लीप वर्ष आप ज्ञात करेंगे उसी को आधार मानकर आप प्रश्न को देखेंगे कि हम लीप वर्ष से जो दिया गया वर्ष है उससे कितना आगे या कितना पीछे है, ठीक। एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा, ठीक। क्या दिया गया है, यदि 1 अगस्त 1997 को सोमवार है, 1 अगस्त 1997 को सोमवार बोल दिया है, तो पूछ रहा है कि किस वर्ष 1 अगस्त को पुनः सोमवार होगा, ठीक है। यानी 1 अगस्त 1997 को क्या है, सोमवार, तो पूछ रहा है कि किस वर्ष 1 अगस्त को पुनः सोमवार होगा। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि 1997 लीप वर्ष है या नहीं, यानी 1997 में जो लास्ट 2 डिजिट है, यानी कि 97, उसमें आपने किससे 4 से भाग दिया, 4 से ये पूर्णता विभाजित नहीं है, तो 4 से जब ये पूर्णता विभाजित नहीं है, इसका मतलब क्या कि ये लीप ईयर नहीं है। अब 1997 का सबसे निकट का लीप ईयर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1996। आपको कितना मिल गया, आपको लीप वर्ष मिला सबसे निकट का 1996, 1996 आपका मिला, ठीक। अब लीप वर्ष को आपको आधार मान के सॉल्व करना है, यानी कि 1996 आपका आधार वर्ष है। दिया गया वर्ष प्रश्न में क्या है, 1997। 1996 से 1997 में कब पहुंचेंगे, जब 1 वर्ष आगे जाएंगे, और जब आप 1 वर्ष आगे जाएंगे तो दिए गए वर्ष में आप क्या करेंगे, +6। अगर 1 वर्ष पीछे जाते तो दिए गए वर्ष से क्या करते, -6। तो 1997 + 6 यानी कितना आपको मिल गया, 2000। यानी 1 अगस्त 2003 को अब सोमवार होगा। पहले क्या, 1 अगस्त 1997 को सोमवार था, तो अब वही दिन किस साल रिपीट होगा, 2003 में, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप क्या मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे वीडियो के सी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ट्विटर फेसबुक अकाउंट्स के लिंक दिए गए हैं, उस पर भी आप आके पूछ सकते हैं, तो आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आप तुरंत पूछेंगे और वहीं का वहीं मैं आपको उसका सॉल्व कर दूंगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तब भी आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि आपके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है, जैसे कि UGC नेट आपका है, जो फर्स्ट पेपर है, 68,500 लिखित परीक्षा है, ठीक है। अभी रेलवे के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो ये सारे एग्ज़ाम्स क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें ये सारे रीजनिंग के टॉपिक आते ही आते हैं, ठीक है। तो इनको आप मिस नहीं कर सकते, और अगर आपने मिस किया तो क्या आप कॉम्पिटिशन की रेस से बाहर हैं, जो कि बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो फिर से मैं बहुत ही जल्द आपके सामने आऊँगा रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के साथ आप जमकर पढ़ाई करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।